पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य बने गिरीश वर्मा का पार्टी कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी, कैबिनेट मंत्री और मुरादाबाद जनपद के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह, नगर विधायक रितेश गुप्ता, महापौर विनोद अग्रवाल, MLT डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त के साथ अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। इस अवसर पर आए पदाधिकारियों ने पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य गिरीश वर्मा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भाजपाइयों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे पर कार्य करने वाली पार्टी है और सभी के हितों की पार्टी है। गिरीश वर्मा को जिम्मेदारी सौंपकर हमारे बीच भेजा है, जो हमारे लिए भी खुशी की बात है। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कहा कि आगामी 2022 के चुनाव को लेकर आप सभी सतर्क हो जाएं और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलकर एक बार फिर से सरकार बनानी है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय महेंद्र जी भी इस सम्मेलन में उपस्थित। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किस प्रकार से अपराधियों पर, भ्रष्टाचारियों पर, समाजद्रोही तत्वों पर किस प्रकार से कार्रवाई हुई, और आपने देखा होगा बड़े बड़े भूमाफियों के खिलाफ, बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ जो उन्होंने साम्राज्य खड़े कर रखे थे, उन साम्राज्यों को नष्ट नाबूद करने का, ध्वस्त करने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने किया। आज हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कोर एजेंडे, जो हमारा एजेंडा है, उस एजेंडे को आगे बढ़ाने का हम लोगों को संकल्प लेना है। आज हमारे लिए बहुत सुखद अवसर है, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री, वरिष्ठ मंत्री आदरणीय भाई महेंद्र सिंह जी भी उपस्थित हैं, और हम सब लोग मिलकर आज गिरीश वर्मा जी के नाम करके अवसर पर उनका स्वागत और अभिनंदन करने आए। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हम सब लोग कार्यकर्ता इस ताकत के रूप में मिलकर संगठन को शक्तिशाली और मजबूत बनाने का काम करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि आज गिरीश वर्मा जी का जो मनोनयन हुआ है मुरादाबाद में, उस मनोनयन को हम लोगों के लिए एक संकेत के रूप में देखेंगे, एक संदेश के रूप में देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है, जहां अपने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा की चिंता करके हम सब लोग आगे बढ़े हैं। और मुझे विश्वास है कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर सफल होंगे, ऐसा मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।